अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खुश आमदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फॉर मज़े में, अल्लाह का शुक्र है। आज का जो ब्लॉग है तुझे फ्राइडे का है, और फ्राइडे वाले दिन मैं सोच रही थी कि मैं पूरे दिन की आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी, पर जब मैं खाना बना रही थी और मैंने खाना बना लिया तो उसके बाद मेरे घर मेहमान आ गए थे, तो इसलिए मैं अपनी फुल डे की वीडियो नहीं बना सकी, तो जितनी मैं बना सकी। और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन के कोफ्ते। चिकन का जो मीट होता है, जो गोश्त होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसका कीमा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ये देसी जुगाड़ आजमाया, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई चॉपर या कीमा बनाने वाली मशीन नहीं है, तो मैंने इसको ब्लेंडर जार में बनाया था। और मैंने क्या किया था कि मैंने जो चिकन की बोटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी कर ली थी, और जो प्याज थे और जिंजर गार्लिक वगैरह हरी मिर्ची सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, और जो चिकन थी मेरे पास तो उसको भी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली थी, और ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ी थोड़ी सी बोटियाँ डाली थी। और भी जो चीज़ें स्पाइसेस वगैरह थे मेरे पास, प्याज लहसुन जो भी कोफ्ता बनाने के लिए मैं चीज़ें यूज़ कर रही थी, वो थोड़ी थोड़ी सी डालकर और उसको मैं ब्लेंड कर रही थी, तो अच्छी तरह से मेरा कीमा बन गया था। और उसके अलावा मैंने उसमें थोड़ा सा बटर जो होता है मक्खन, वो भी थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें डाल दिया था, तो उस वजह से मेरा कीमा जो था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था और जुड़ा जुड़ा सा बना था, तो मेरे कोफ्ते टूटे भी नहीं थे और अच्छी तरह से बन गए थे। और स्पाइसेस इसमें मैंने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, कम ही यूज़ किए थे थोड़े से। इसमें मैंने सिंपल से नमक मिर्ची वगैरह और थोड़ा सा इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला था टेस्ट के लिए, और उसके अलावा थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड कर ली थी, इसके अलावा इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे। और जहाँ पर मैं साथ साथ ही कोफ्ते भी बना रही थी, और जो प्याज थी मेरे पास तो वो भी मैंने गोल्डन फ्राई करने के लिए डाल दी थी ऑयल में, तो उसके बाद मैंने जो प्याज ये मेरी जो फ्राई हो गई थी, गोल्डन हो रही थी, तो ये निकाल कर मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी थी, और उसमें मैंने दही और थोड़ा सा क्रीम डाल दिया था, उससे मेरी अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। और जहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया था, तो उसके हिसाब से मेरे 13 या 14 कोफ्ते बन गए थे, क्योंकि इसमें और चीज़ें भी थी, मैंने प्याज वगैरह और जो चीज़ें थी लहसुन वगैरह वो भी यूज़ की थी, तो मेरे 13 से 14 कोफ्ते बन गए थे। मैंने कोफ्ते इतने छोटे भी नहीं बनाए थे और ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए थे, शायद एक या वो दो वाले कोफ्ते मुझे थोड़े से छोटे लग रहे हैं, पर इस साइज़ के नॉर्मल साइज़ के मेरे 13-14 कोफ्ते बन गए थे। और मेरे बच्चों ने तो ऐसे ही जब मैंने फ्राई किए थे तो वहाँ से निकाल कर भी खा लिए थे। और उसके बाद बस कोफ्ते मेरे 20 से 25 मिनट में तैयार हो गए थे, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा था, कोफ्ते बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज थी तो वो फ्राई करके निकाल ली थी, और उसी ऑयल में मैं कोफ्ते फ्राई कर रही थी, और जब प्याज मैंने निकाली थी तो वो मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी थी, और उसमें मैंने टमाटर, दही और थोड़ी सी क्रीम डाली थी, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाले थे और उनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, और उसके बाद वो मेरी अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। और यहाँ पर दूसरी साइड पर मैं साग बना रही थी, जो सरसों का साग होता है वो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन पहले लेकर आए थे, तो मैंने एक बार तो बना लिया था और उसके बाद बाकी जो बच गया था तो मैंने फ्रीज कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि आपने वो साग नहीं बनाया है, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड क्योंकि फ्राइडे वाले दिन घर पर होते हैं, तो मैंने बना लिया था वो भी थोड़ा सा, तो बच्चों ने वो भी खा लिया था, और जो बच गया था तो वो मैंने रख लिया था, हमने रात के टाइम पर खा लिया था। और कोफ्ते मैंने यहाँ पर सिंपल से फ्राई कर लिए थे, और ये जो कोफ्ते हैं चिकन वाले, तो ये आप बच्चों को एज अ स्नैक भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें स्पाइसेस कम डाले थे, तो अगर आप भी इस तरह से बनाएं घर पर कीमा बनाकर और बच्चों को इस तरह से एज अ स्नैक दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए थे, और कोफ्ते निकाल कर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लहसुन इसमें डाल दी थी, और उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी जिससे उसका जो कच्चापन हो तो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने जो मिक्सर बनाया था ब्लेंडर में, टमाटर और प्याज और जो इसमें मैंने दही और क्रीम डाली थी, तो उसका मैंने मिक्सर बना लिया था, और यहाँ पर उसको मैं थोड़ा सा कुक कर रही थी, और जल्दी से ही मेरी ग्रेवी बन गई थी। तो यहाँ पर ब्लेंडर मेरे पास और थोड़ा सा जो दही बचा हुआ था तो वो मैं डाल रही थी, तो वो जो दही था तो वो मैंने साग के लिए बनाया था, जो मैंने यहाँ पर सरसों का साग बनाया दूसरी साइड पर, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं खटास के लिए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया था। और जब मेरी ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए थे लास्ट में, क्योंकि जो कोफ्ते थे वो चिकन वाले थे और ऑलरेडी फ्राई किए हुए थे, तो इसको मैंने डालकर सारे कोफ्ते, उसके बाद मैंने इसको दम पर रख दिया था थोड़ी देर के लिए।
ओ, यहाँ पर मेरा साग बन रहा था और जैसे ही मैं इसका जो ढक्कन है वो खोल रही थी इसको, तो ये साग सारा सा उछल उछल कर नीचे बाहर आ रहा था। और मेरी जो किचन की दीवार है, जब भी मैं साग बनाती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा जो साग होता है ना, जो सालन होता है, तो दीवार पर उसके छींटे इतने ज़्यादा लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, और जो मेरी बेटी है तो वो उनकी साइड वगैरह चेंज कर रही थी, उनको पका रही थी और उस पर ऑयल भी लगा रही थी। तो मेरी बेटी को भी माशाल्लाह से कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो बनाती रहती है कुछ ना कुछ चीज़ें, कभी मैक्रोनी बनाती है, कभी इस तरह से जो चीज़ें उसको बनाना आसान होती है, या जो टीनेजर लड़कियाँ बनाती है सिंपल सी चीज़ें, कभी कटर बना लिए, कभी इस तरह की पकौड़े बना लिए, दही पकौड़े, या कभी चना चाट बना लेती है, तो इस तरह की चीज़ें वो ट्राई करती रहती है। पर मैं अभी उसको इतनी बनाने नहीं देती हूँ। ये देख लीजिए जो मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। वैसे मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा कोफ्ते पसंद नहीं है, पर मैंने जब बनाए थे चिकन के तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और मैं जो भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनाती हूँ या जो कोई न्यू चीज़ ट्राई करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है आसानी से, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी बनती है। और यहाँ पर मैं अपनी छोटी वाली बेटी के लिए जूस बना रही थी, जो मेरी 2 साल की बेटी है, तो पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा आजकल वीक हो गई है, शायद उसका जो हाइट है उसकी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जब कहते हैं कि बच्चा जब कद बढ़ाता है, जब बच्चे की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो वो फ्रूट वगैरह खाती है माशाल्लाह से शौक से, पर फिर भी मैं उसको जूस बना कर दे रही थी, पर जूस पता नहीं क्यों उसने बिल्कुल भी नहीं पिया था। वैसे मैं उसको जो गाजर होती है उसकी स्टिक्स वगैरह बना कर खिलाती हूँ या दे देती हूँ, तो वो खा लेती है एप्पल, गाजर और भी बाकी के जो फ्रूट्स होते हैं। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, पर मैंने इतनी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, ऐसे सिंपल जो घर में चीज़ें हुई बनी हुई थी तो वही रखती थी। और मैंने अपने हस्बैंड को जो है तो सरप्राइज़ दिया था, और मैं जाकर उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने बेटे के साथ गई थी और उनके लिए मैंने गिफ्ट लिया था और कुछ चीज़ें दी थी, जो ये उसी की वीडियो है। और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट में क्या दिया था और उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया था। वो वैसे मुझे हर साल एक कोई गोल्ड की चीज़ या इस तरह से कोई चीज़ गिफ्ट में देते हैं, तो इस साल उन्होंने मुझे एक छोटा सा लॉकेट दिया था, ये वाला वो लॉकेट है। तो इस बार मैं उन्हें कह रही थी कि इस बार आपने थोड़ी सी कंजूसी की है और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, पर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से दिया। और ये क्रिस्टल की जो ये मोती वाली जो होती है, जो चेन होती है, तो इसमें ही डाला हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल कर गोल्ड वाली चेन में डाल दिया था। और उसके अलावा ये वाला जो दूसरा वाला है, तो ये मैंने मुझे उन्होंने 2 साल पहले दिया था। ये इस तरह से कुछ फ्लावर या इस तरह से कोई सीप वगैरह जो होती है ना, तो वो उस तरह से बना हुआ है, और ये मुझे 2 साल पहले उन्होंने दिया था। तो ये मैं पहनती हूँ, चेन में डालकर मैं पहन लेती हूँ कभी कभी, तो मैं सोच रही थी कि वो जो छोटा वाला है तो वो मेरा चेन में डालकर पहन लूँ। और लॉकेट वगैरह मुझे पसंद आते हैं, छोटी छोटी सी जो रिंग्स होती है सिंपल सी, तो वो मेरी चीज़ें पहन लेती हूँ घर में। और ये वाला जो है मेरे पास, तो ये मेरे पास पूरा पेंडेंट सेट है, ऐसे मेरे पास ईयर रिंग्स भी है, रिंग भी है, तो ये मैंने निकाल लिया था इस चेन में से। और उसके बाद मैंने वो छोटा सा लॉकेट डाल दिया था इसमें और मैंने पहन ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसको पहन लूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने मुझे न्यू ही गिफ्ट में दिया है। और उसके अलावा उन्होंने मुझे एक शॉल दी थी वेलवेट की, और यहाँ पर मेरी बेटी अपने लिए चॉकलेट लेकर आई थी तो उसने मुझे भी दिए थे। और चॉकलेट किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो मैं बच्चों की चीज़ें इतनी खाती नहीं हूँ, मुझे आजकल पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नहीं लगती, पहले मैं खाती थी बहुत ज़्यादा शौक से, पर बच्चे कभी लेकर आते हैं और मुझे देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। और इस तरह की शॉल मेरी अम्मी ने ली थी और मेरी सिस्टर ने ली थी। मेरे पास वेलवेट की शॉल्स पहले भी हैं, 2 मेरे पास शॉल हैं और एक मेरे पास वेलवेट की जो मैंने सूट लिया था तो उसके साथ मुझे मिली है, तो 3 हो गई है। पर ये वाली जो शॉल है तो इस तरह की मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर ने ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारी शॉल ली है, उसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और उस पर जो काम किया हुआ है मरोड़ी का, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है मुझे। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपने लिए मंगवा लो, और उन्होंने मेरे लिए मंगवा ली थी और 3,500 रुपये की है। पर इसकी पाइपिंग वगैरह कुछ या इस पर बीड्स वगैरह नहीं लगी हुए, वो इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि
इसकी जो लेंथ है ना, वो जो इसकी जो ये ज़्यादा बड़ी है, 3.5 मीटर की है, क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसका मंगवाया है कपड़ा। और इसके अंदर मैं जावा करवाऊँगी, जो पाइपिंग लगती है अंदर की तरफ से, जो हम कमीज़ की स्लिट्स पर लगवाते हैं जिस तरह से डोरी पाइपिंग की तरह, तो वो मैं इसके अंदर करवा लूँगी इस पर। और इसका कलर वैसे बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू, पर शायद वीडियो में थोड़ा सा लाइट लग रहा है। और इसका वेलवेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसमें कपड़े में शाइनिंग भी है, पर वो पता नहीं कि वीडियो में इतनी दिख नहीं रही। तो और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, तो ये मैंने वीडियो उसी दिन बनाई थी जिस दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, तो उसके दूसरे दिन मैंने सुबह के टाइम पर ये बनाई थी इसकी वीडियो। और ये उनके लिए जो मैंने जैकेट ली थी, ये वैसे अपर लग रहा है पर ये जैकेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और इसका कलर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो इसलिए क्योंकि इस कलर की उनके पास जैकेट या अपर पहले नहीं था। उनके पास ब्लू, मैरून और चॉकलेट कलर के अपर और जैकेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो थी ना ग्रे कलर की, इसके अंदर जो इनर दिया हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैं इस आपको ये दिखा रही थी कि इस पर सिर्फ 2 ही पॉकेट बनी हुई है बाहर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पॉकेट्स वाली जो होती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती जैकेट्स वगैरह, क्योंकि वो थोड़ी सी बच्चों जैसी लगती है। और इसके अंदर जो है ना, तो वो पॉकेट्स लगी हुई है, तो मुझे ये पीस लिए सही लगी थी। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ज़्यादा मतलब इतनी भरी हुई है और शो वाली चीज़ें नहीं पसंद करते, तो थोड़ी सी सिंपल भी लगी थी तो ले ली थी मैंने, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसका कलर पहली बात तो उन्हें अच्छा लगा, और ये पहनने में भी कंफर्टेबल भी थी और गर्म भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने दूसरे दिन पहन ली थी, वो किसी शादी में गए थे तो वलीमा था, तो उसमें उन्होंने दूसरे दिन पहन ली थी। इस जैकेट के साथ मैंने उन्हें एक व्हाइट कलर का सूट दिया था कॉटन का, वो भी मैंने बहुत ही अच्छा लिया था, अच्छी वाली कॉटन ली थी। और सूट के साथ मैंने उन्हें एक परफ्यूम दिया था, जो लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं या जिन्होंने देखे हुए, तो उन्होंने उन्हें पता है कि मैं उनके लिए एक परफ्यूम लेकर आई थी, वो भी उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। तो मतलब मैंने उन्हें पूरा कंप्लीट गिफ्ट दिया था, सूट भी दिया था, उसके साथ ये जैकेट दी थी, और उसके साथ मैंने उन्हें एक परफ्यूम दिया था। और ये शायद ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो है, शाम के टाइम पर मैंने बिस्किट मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं बच्चों के लिए बिस्किट, तो ये बिस्किट मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं और चॉकलेट वाले हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके साथ ये पापे में चाय के साथ खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं कभी कभी, पर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पापे कौन कौन खाता है और पापे किस किस को पसंद है, क्योंकि जब मैं पापे खाती हूँ तो मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चे वैसे ब्रेड और बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, और केक के मैं पीसेस इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे फिर जब खुद ही केक उठाते हैं तो वो सारा ही उसका चूरा सा बना लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे से पीसेस करती हूँ जिस तरह से बच्चे एक पीस उठाएं तो वो पूरा खा लें। और ये रेशमी केक होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट सा। और उसके बाद मैंने रात के टाइम पर ये सालन बनाया था, मैंने कोरमा बनाया था। और वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सालन बनाना किसी को आता है, तो आजकल मैं इसलिए थोड़ी सी रेसिपीज़ कम ही शेयर करती हूँ आपके साथ, फुल रेसिपीज़। और कोफ्ते वाले रेसिपी भी मैंने ब्लॉग में ऐड की थी, तो इसलिए मैंने सालन की वीडियो नहीं बनाई थी ज़्यादा। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो छोटी बनाऊँ और व्लॉग जो है तो थोड़ा सा छोटा बनाऊँ, पर पता नहीं क्यों मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और पता नहीं क्यों मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है हमेशा ही। और कुछ क्लिप्स तो ऐसी होती हैं जो मैं ऐड नहीं करती हूँ या फिर वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, तो फिर भी पता नहीं कि मेरी जो वीडियो है तो वो 15-16 मिनट की हो जाती है। और आइंदा मैं कोशिश करूँगी तो थोड़ी सी कम रखूँगी वीडियो, थोड़ी सी कम बनाऊँ। और ये मैंने रात के टाइम पर बनाया था सालन डिनर में, और इस तरह का जो सालन है तो वो मेरी फूफो बनाया करती थी, जो मेरी सबसे छोटी फूफो है, तो वो जो आलू बनाती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनाती थी, उनके जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता, मैं भी कभी नहीं बना सकती, तो मैंने बनाई थी, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने इसकी बनाई थी। और उसके साथ साथ मैंने अपनी ये चाय रखी हुई थी, वैसे तो ये मेरा जो मग है तो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, और मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मैं अनकरीब इसको कई बार छुपा दूँगी क्योंकि आप इस मग की जान छोड़ ही नहीं रही, वो इसलिए मैं नहीं छोड़ रही क्योंकि इसमें चाय ठंडी नहीं होती और गर्म ही रहती है, क्योंकि मैं जब भी नाश्ता करती हूँ या शाम के टाइम पर मैं चाय पीती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी बेबीज़ को बिस्किट वगैरह खिलाती हूँ, केक या कुछ भी, उसके बाद मैं लास्ट में ही चाय पीती हूँ, तो जब तक मेरी चाय ठंडी हो जाती है इसलिए मैं अपनी चाय इसी कप में पीती हूँ। और बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज
तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।